हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे अमेरिकन कांग्रेस। लास्ट सेशन में हमने अमेरिकन कांग्रेस क्या है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ एंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। एंड आज हम इस सेशन में करेंगे इसका लॉर्ड हाउस, जिसको कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, इसकी क्या कॉम्पोजिशन है। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे पावर्स ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जी लॉर्ड हाउस है, इसमें जो मेंबर्स हैं 435 मेंबर्स हैं, वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। जो आज के टाइम में लॉर्ड हाउस है, उसकी 117th कांग्रेस चल रही है, जो 3 जैन 2021 में नई बनी थी। तो इस तरह जो 117th कांग्रेस है, वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंट को प्रेजेंट करती है। तो इसमें 2 इयर्स की टर्म होती है। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, वहां पर जी कहा जाता है कि इसके पास ज्यादा पावर्स नहीं है, तो सभी की सभी पावर्स हाउस ऑफ सेनेट के पास है। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंट है, जी क्या है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक पब्लिक ओपिनियन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट से कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं एंड वहां से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, जो अपनी रीजनल प्रॉब्लम्स हैं उनको डिफाइन करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग ही लॉ बनाए जाते हैं। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, इसके लिए प्रोफेसर मुनारो क्या डिफाइन करते हैं, वो कहते हैं द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वाज इंटेंडेड टू सर्व एज द डायरेक्ट रिफ्लेक्टर ऑफ पॉपुलर ओपिनियन इन द नेशनल गवर्नमेंट। जो फेडरल गवर्नमेंट है, वहां पर पॉपुलर ओपिनियन, लोगों की क्या मर्जी है, इसको डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक पब्लिक ओपिनियन का रिफ्लेक्टर माना जाता है। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की कॉम्पोजिशन कैसी है, कॉम्पोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 435 मेंबर्स हैं। ये फिक्स किए गए थे 1929 में बाय पासिंग अ लॉ, लेकिन जो इनके मेंबर्स की गिनती है, इसको 1959 में इंक्रीज कर 437 किया गया, लेकिन अगेन 1961 में इसको रिड्यूस कर 435 ही फिक्स कर दिया गया। जो इनके मेंबर हैं, वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही फिक्स किए गए थे। पहले क्या था, पॉपुलेशन कम थी, तो 30,000 पॉपुलेशन के बिहाइंड एक रिप्रेजेंटेटिव था। लेकिन आज के टाइम में जो अमेरिका है, इसमें 33 करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेशन है, तो इसमें आज के टाइम में प्रोपोर्शन इंक्रीज हो चुका है, लेकिन फिर भी जो मेंबर की नंबरिंग है, इसको इंक्रीज नहीं किया गया। जो 435 मेंबर्स हैं, जे फिक्स्ड हैं और इसमें 5 डेलीगेट्स भी हैं और एक 1 रेजिडेंट कमिश्नर भी है, वो है प्रूटो रिको का। जो जे 5 डेलीगेट्स हैं, 1 रेजिडेंट कमिश्नर है, जे नॉन वोटिंग मेंबर्स हैं। जब भी कांग्रेस की काम चल रहा होता है, उस टाइम वोटिंग में जे मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, इनमें प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग ही सीट्स को डिवाइड किया गया है और जे कहा गया है कि एटलीस्ट 1 सीट गारंटेड टू एवरी स्टेट। जितनी भी स्टेट्स हैं, टोटल 50 स्टेट्स हैं, अगर किसी स्टेट में कम पॉपुलेशन है, तो उसमें कम से कम एक रिप्रेजेंटेटिव जरूर होना चाहिए। इस तरह हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की कॉम्पोजिशन में 435 मेंबर्स आते हैं, प्लस 5 डेलीगेट्स आती हैं, 1 रेजिडेंट कमिश्नर आता है, जो होगी कॉम्पोजिशन। तो अब मेथड ऑफ इलेक्शन, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स हैं, इनको कैसे इलेक्ट किया जाता है। जे इलेक्टेड किए जाते हैं डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज आउट ऑफ द सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। जैसे इंडिया में भी है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, मीन जितना भी हमारा एरिया है, इसको पॉलिटिकल टर्म में कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है। इनको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाता है। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में
एक ही मेंबर इलेक्ट होगा, तो इसको कहते हैं आउट ऑफ द सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। ऐसा नहीं है किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक से ज्यादा मेंबर इलेक्ट हो सकते हैं। तो वहां पर जे मेथड है जिसमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर एक मेंबर को हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट किया जाता है। तो इसमें 435 मेंबर्स हैं। तो क्या जो अमेरिका की कांग्रेस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, क्या इसमें किसी इंडियन को भी प्रेजेंटेशन दी गई है? तो इसका आंसर है यस, मिस्टर दिलीप सिंह सोन, इनको भी रिप्रेजेंटेशन दी गई थी। ही वाज द फर्स्ट एशियन अमेरिकन, मींस एशिया से भी फर्स्ट थे जो इंडियन थे जो इलेक्टेड होते हैं इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन 1956। जे 3 times इलेक्ट होकर आते हैं एंड जे कैलिफोर्निया स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद वहां पर जे कहा जाता है जो मिस्टर दिलीप सिंह सोंग है इनका एक पोर्ट्रेट असेंबली में लगना चाहिए। तो इस तरह इंडियन भी इनको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद और भी इंडियंस हैं वो इनमें प्रेजेंटेशन गेट कर पाते हैं। तो आज के टाइम तक 4 रिप्रेजेंटेटिव हैं जो इंडियन है जो अमेरिकन कांग्रेस में प्रेजेंटेशन रखते हैं। इस तरह वहां पर डायरेक्ट इलेक्शन मेथड है। इसमें जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है वो किस एज को मिलता है, तो बाय 26th अमेंडमेंट जो 1971 में होती है इसमें मिनिमम एज कितनी कर दी गई, इसमें मिनिमम एज 18 इयर्स कर दी गई, पहले कितनी थी 21 इयर्स। तो इस तरह सरफेस है इसका क्या हो गया 18 इयर्स को डिफाइन किया गया। तो जी हो गया मेथड ऑफ इलेक्शन। अब हम करते हैं क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स, जो यहाँ के मेंबर्स हैं इनकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो फर्स्ट वन इज ही मस्ट हैव द सिटीजन ऑफ द अमेरिका फॉर द लास्ट 7 इयर्स, मींस वो पिछले 7 सालों से अमेरिका में ही रह रहा हो, चाहे वो किसी और कंट्री से भी आया हो। जैसे हम कहते हैं मिस्टर दिलीप सिंह सोन वो क्या थे, इंडियन थे, लेकिन उनको किसकी सिटीजनशिप मिल गई, अमेरिका की। तो फिर वो 7 इयर्स से रह रहे हो, अमेरिका का सिटीजन हो, वो क्या है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए खड़ा हो सकता है। और उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 25 इयर्स होनी चाहिए। और वो मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉल डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच ही इज कंटेस्टिंग। इसका मीनिंग क्या हो गया कि वहां पर जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनके मेंबर को इलेक्ट किया जाता है तो सभी के सभी एरिया को डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड किया जाता है, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉल डिस्ट्रिक्ट। तो वो उसी इलेक्ट्रॉल डिस्ट्रिक्ट का मेंबर होना चाहिए जिससे वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है। हमारे इंडिया में क्या है, हम किसी भी एरिया के हो लेकिन कहीं भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन वहां पर क्या है जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो उसी इलेक्ट्रॉल डिस्ट्रिक्ट से ही आप खड़े हो सकते हो, किसी और इलेक्ट्रॉल डिस्ट्रिक्ट से आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो। और उसको जे भी कहा गया है वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को ना होल्ड करता हो, तो जे क्या होगी क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। और इसका टेन्योर कितना है, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है इसका टेन्योर है 2 इयर्स और इसको फिक्स किया गया है। हमारे इंडिया में जो लोअर हाउस है लोकसभा है इसका टेन्योर 5 इयर्स है, लेकिन वहां पर कितना है 2 इयर्स फिक्स किया गया है। और जे कहा गया है इस टेन्योर को ना ही इंक्रीज किया जाएगा ना ही डिक्रीज किया जाएगा अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो जे इलेक्शन है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की इसको टाइम पर ही कराना पड़ेगा, इससे इस टेन्योर को ना ही इंक्रीज करते हैं ना कि जे डिक्रीज करते हैं। जे 2 इयर्स का टाइम इसलिए रखते हैं, जे कहते हैं अगर हर 2 इयर्स के बाद इलेक्शन होगी तो जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स क्या करते हैं, लोगों को आंसर एबल होते हैं, उनको पता है आफ्टर 2 इयर्स मैंने इनके पास वोट के लिए जाना है, इसीलिए वो रिस्पॉन्सिबल बने रहते हैं और वो करप्ट नहीं होते हैं। इंडिया में जैसे कहते हैं कि एक बार
इलेक्शन होगी उसके बाद 5 साल के लिए जनता को कोई नहीं पूछ रहा उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, इनका कोई सलूशन नहीं होता। लेकिन वहां पर इसीलिए इस टाइम को 2 इयर्स ही रखा गया है। कई बार आता है कि इसका टाइम इंक्रीज कर 4 इयर्स करना चाहिए, लेकिन वहां पर जो मेंबर्स हैं वो 2 इयर्स ही फिक्स करते हैं और ये कहते हैं किसी भी सर्कमस्टेंसेस में इसको इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करेंगे। एंड जो मेंबर्स हैं उनको कब इलेक्ट किया जाता है, इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो जो नया सेशन है वो जैन 3 को चलता है, लेकिन वहां पर इलेक्शन हो जाते हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। इस तरह इनको कभी भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट इज सेशन एंड कोरम। जो कांग्रेस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, इनका जो सेशन है वो कितने होते हैं, ये कहा जाता है कि वहां पर एटलीस्ट 1 सेशन होना कंपलसरी है। और जे क्या स्टार्ट होता है, इट बिगन्स ऑन 3rd January एवरी ईयर। जे हर साल 3rd January को ही स्टार्ट होता है। और जे अर्जर्न कब होता है, इसका डिसीजन कौन लेते हैं, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है एंड सेनेट है, इन दोनों को जो चेयरमैन है वो आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमने एक सेशन को प्रीव्यू कब करना है। इसीलिए सेशन एक होना जरूरी है। एंड वहां पर कोरम कितने है, कोरम भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी है। इसका मतलब बना कि वहां पर अगर 435 मेंबर्स हैं तो सेशन चलने के लिए कंपल्शन है कि एटलीस्ट 218 मेंबर्स हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए, तभी जाकर वहां का सेशन है, मीटिंग्स हैं वो स्टार्ट होती हैं। नेक्स्ट इज चेयरमैन सैलरी एंड अलाउंसेस। जो वहां का चेयरमैन है, इसका चेयरमैन कौन होता है, स्पीकर होता है। वहां पर एक कन्वेंशन है, वहां पर 2 स्पीकर माने जाते हैं, एक मेजोरिटी पार्टी का स्पीकर, एक होता है मिनोरिटी पार्टी का स्पीकर। वहां पर ये कहा गया कि जो मेजोरिटी पार्टी है उसका ही रूल चल रहा है, जो मिनोरिटी पार्टी है जो फर्स्ट रनर अप रही थी उसका भी एक लीडर होना चाहिए, तो उसको कहती है मिनोरिटी स्पीकर। तो इस तरह जो सैलरी है, वहां के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी सैलरी है $1,74,000 पर एनम। लेकिन जो मेजोरिटी का स्पीकर है, इसकी सैलरी है $2,23,500 पर एनम। एंड जो मिनोरिटी स्पीकर है, इसकी सैलरी है $1,93,400 पर एनम। इस तरीके को जिस सैलरी मिलती है, एंड इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे पर्सनल अलाउंसेस, ट्रैवल टैक्स डिडक्शन होगी, हेल्थ बेनिफिट्स होगी, एंड बहुत सारे और भी अलाउंसेस हैं जो इनको मिलते हैं। इनको मेंटेनेंस अलाउंसेस भी मिलते हैं, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के पॉपुलेशन के साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इस तरह इनको बहुत ज्यादा सैलरीज दी जाती है, आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन भी दी जाती है। एंड इनको क्या क्या प्रिविलेजेस दी जा रही है, इनकी जो प्रिविलेजेस है, सबसे पहले फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स। इसका मीनिंग हुआ कि जितने भी मेंबर्स हैं, जे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में क्या कर सकते हैं, अपने थॉट्स को खुलकर एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड जो जे कांग्रेस में कहते हैं, इनके लिए इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। एंड जो मेंबर्स हैं, इनको कभी भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता जब सेशन चल रहा होता है, और इन केस ऑफ सिविल सूट कि जो सेशन स्टार्ट हो गया और इस पर मेंबर्स हैं, आप इन पर कोई भी सिविल सूट है वो फाइल कर इनके ऊपर चार्जेस लगाकर आप इनको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह इनको जो प्रिविलेजेस भी दी गई हैं। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो पब्लिक ओपिनियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अपने लोकल प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, उनके लिए जे लॉ बनवाते हैं। इस तरह हर एक एरिया की पूरी तरह से डेवलपमेंट हो पाती है। तो आज हमने इस सेशन में कंपोजिशन की, नेक्स्ट सेशन में हम इसकी पावर्स एंड फंक्शंस करेंगे। होप्स कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।